हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन 3 द नॉर्दर्न प्लेन्स रीड किया था। काफ़ी लेंदी चैप्टर था, इसलिए हमने उसको डिवाइड करके पढ़ा, 2 पेजेस ईच। अब ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम, अब के उसकी एक्सरसाइज रह गई थी, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं यहाँ पे, बट आपने इसको यहाँ से तो देखना है, बट उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखकर याद करना है। ठीक है, मैं रीड आउट करूंगी, आप ध्यान से सुनना। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द डैश ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। अब इसमें हमने आंसर लिखना है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है साउथ। The northern plains are located to the south of the Great Himalayas. Second, rivers carry silt that settle on banks as alluvium. अब इसमें options दिए हुए हैं, इसका correct option हमने choose करना है, तो इसका option होगा alluvium. Third, dash is the tributary of Satluj. इसका answer क्या होगा? Bees. Second option, bees. फोर्थ, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग आर ईटन इन। ये तो आपको अच्छे से पता है, कहाँ पे खाया जाता है सरसों, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग? पंजाब में। तो इसका ऑप्शन है सी, पंजाब। फिफ्थ, द गंगा बेसिन इज ऑल्सो नोन एज द, इसका क्या होगा आंसर? फूड बोल ऑफ इंडिया। इसमें से हम ए ऑप्शन चूज करेंगे, फूड बोल ऑफ इंडिया। अब बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, सतलुज बेसिन इज फॉर्म्ड बाय रिवर सतलुज। ये तो कितना इजी है, सतलुज बेसिन इज फॉर्म्ड बाय रिवर सतलुज। द पॉपुलर फूड ऑफ पंजाब इज, ये भी हमने अभी पढ़ा ऊपर, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। थर्ड, डैश इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़। ये भी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। फोर्थ, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? वेस्ट बंगाल में। बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसमें पूछा था बिहू इज डैश फेस्टिवल, उसमें हम लिखेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इसमें है गिव वन वर्ड आंसर, एक वर्ड में हमने आंसर देना है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन आसाम? गुवाहाटी। वेयर डस रिवर इंडस फ्लो? पाकिस्तान। वॉट इज गंगा रिवर कॉल्ड इन बांग्लादेश? पद्मा। वेयर आर गिद्दा एंड भांगड़ा डांस परफॉर्म्ड? पंजाब। Which is the capital of Uttar Pradesh? Lucknow. Which dam is built across the river Satluj? Bhakra Dam. ये भी हमने last time पढ़ा था। ठीक है, ये one word answers थे। अब हम move करेंगे answer the following questions में। Why are the northern plains fertile? अब इसका answer है, the northern plains are fertile because many rivers melt from glaciers that carry fine silt called alluvium with their water that they deposit when they flow by the plains. इसके answers मैं आपको अलग से टाइप वाले भी भेजूंगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसमें से रेफर कर लेना। इसमें स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। डिफाइन एलुवियम। मैनी रिवर्स कैरी फाइन सिल्ट with their water that they deposit when they flow by the plains. This silt is called alluvium, makes the river bank area very fertile. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, what is the main occupation of people in Ganga basin? Answer, the main occupation of people in Ganga basin are agriculture and fishing. Fourth, which are the main crops of Arunachal Pradesh?
द मेन क्रॉप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर राइस मेज मिलेट वीट पल्सेस शुगर केन एंड ऑयल सीड्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़े. वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ए बी सी डी आपने अब थॉरली अपनी नोटबुक में लिखने हैं और क्वेश्चंस भी लिखने हैं, आंसर्स भी लिखने हैं और उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है. और अब कल 15 अगस्त है, 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तो कल की भी आपकी छुट्टी है, मतलब आपको काम नहीं आएगा और संडे को भी नहीं आता. और आपने ये बहुत अच्छे से कर लेना है एक्सरसाइज तब तक. और उसके बाद आपको एक और एक्टिविटी मिलेगी, ये देखो ये क्या है, इंडियन फ्लैग. इंडियन फ्लैग आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है अच्छे से. ठीक है, और एक और एक्टिविटी है, कितनी सुंदर काइट है ना, 15th अगस्त को काइट उड़ाते हैं, तो आपने ये फ्लैग और ये काइट अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, उसको बहुत अच्छे से कलर करना है नीटली. ठीक है, और सोशल स्टडीज का काम तो करना ही है आपने. ठीक है, बाय, थैंक यू.